गर्मी के मौसम में आज हम बात करने जा रहे हैं आपके सबसे मेन प्रॉब्लम्स जो जनरली हर किसी के साथ में हो सकती है, और वो है चक्कर आना, वर्टिगो। चक्कर आना गर्मी के दिनों में बहुत सारे कारणों से हो सकता है। चक्कर आने के कई सारे कारण होते हैं। जनरली चक्कर इन गर्मियों में आप फील कर सकते हैं यदि आपके पहले सिर के अंदर कभी लगी हुई हो, आपको माइग्रेन हो, आप रात भर जगे हुए हो, या आपको मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा थकान हो, आपको किसी प्रकार की टेंशन हो, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो, आपका ब्लड प्रेशर घटा हुआ हो, आपको शुगर लेवल आपका डाउन हो गया हो, आपको आपने बहुत ज़्यादा शराब पी हो, या फिर आपको सुबह सुबह मॉर्निंग सिकनेस की दिक्कत हो, या आपको मोशन सिकनेस, या कहीं ट्रेवल किया हो आपने जिसकी वजह से आपको चक्कर आ रहे हों, और इसके साथ साथ में यह गर्मी बहुत तेज़ सिर के ऊपर गिरने की वजह से भी आपको चक्कर आना शुरू हो सकते हैं। शरीर में पानी की कमी से आपको चक्कर आ सकते हैं। इन सभी समस्याओं को हल करने के लिए आज हम बात करेंगे एक ऐसी टेबलेट के बारे में जो आप लेते ही आपको उससे आराम होने के पूरे चांस बनते हैं, जिसे डॉक्टर जनरली चक्कर आने के बाद में प्रिस्क्राइब करते हैं। हम बात कर रहे हैं स्टेमटिल एमडी टेबलेट की। स्टेमटिल एमडी टेबलेट मार्केट के अंदर आपको आसानी से मिल जाती है, और एमडी चूँकि ये माउथ डिजॉल्विंग टेबलेट है जो सीधे आपके ब्लड के अंदर मुँह से चली जाती है, इसे लेने के कुछ ही समय बाद, कुछ ही सेकंड्स के बाद में आपको आराम मिलना शुरू हो जाता है। यह मार्केट के अंदर 129 रुपए की 15 गोली का पत्ता उपलब्ध होता है, जिसे आप ले सकते हैं। यह आपको हमेशा चक्कर बने हुए रहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं जनरली चक्कर के अंदर जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो है सिनार्जिन सेंटिगो टेबलेट का आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा वो बीटा हिस्टाडिन वर्टिन 16 दे सकते हैं। इसके अलावा वर्टिन 8 mg, 2-3 स्ट्रेंथ में वह टेबलेट्स मार्केट के अंदर आती हैं वर्टिन। इसके अलावा स्टेमटिल एमडी टेबलेट्स आपको दे सकते हैं। साथ ही साथ में आपको ORS देने की ज़रूरत लग सकती है यदि आपके शरीर के अंदर पानी की कमी हो, तो आपको ओरली देने के लिए वो एडवाइस कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपको अगर ज़्यादा दिक्कत है तो IV लगा सकते हैं। और इसके साथ में आपके इन चक्कर का ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स जनरली आपको बी कॉम्प्लेक्स के इंजेक्शन लगा सकते हैं, जिसकी वजह से यह चक्कर आपकी जड़ से हमेशा के लिए ठीक हो जाए। शरीर के अंदर वीकनेस की वजह से चक्कर आ सकते हैं, कमजोरी की वजह से चक्कर आ सकते हैं, विटामिन्स की कमी की वजह से चक्कर आ सकते हैं, जिनका की ट्रीटमेंट जनरली डॉक्टर्स इन दवाइयों के साथ में आपका करते हैं। जनरली अगर आपको कान के अंदर इन्फेक्शन है, इसकी वजह से भी आपको चक्कर आना शुरू हो सकते हैं, तो आपको किसी ENT से जाकर मिलना होता है जो आपका ट्रीटमेंट करके आपके चक्कर को बंद कर सकते हैं। साथियों, मुझे विश्वास है कि यह दवाई जिसके बारे में मैंने आपको कुछ जानकारी उपलब्ध करवाई है, यह जानकारी आपको आगे मदद करेगी। और इस प्रकार की जानकारियाँ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।